श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाला है। और हम सभी जानते हैं कि आज 12 दिसंबर को मंगलवार के दिन मार्गशीर्ष मास के इस पवित्र महीने की अमावस्या की तिथि है। और देखिए, अमावस्या वो भी मंगलवार के दिन, मंगलवार की जो अमावस्या होती है वो बहुत ही ज़्यादा खास होती है, जो कि हमारे जीवन में मंगल ही मंगल करती है। और देखिए, मंगलवार की अमावस्या यानी कि भौम अमावस्या। देखिए, अगर आपके घर की समस्याएं ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, यानी कि कभी कोई परेशानी उत्पन्न हो जाती है, कभी कोई परेशानी उत्पन्न हो जाती है, और देखिए आपने इन परेशानियों को दूर करने के लिए कई प्रकार के उपाय कर लिए, आपने पंडितों से भी पूछ लिया, कोई आपको बता रहा है कि आपके घर में पितृ दोष है, कोई आपको बता रहा है कल्प सर्प दोष है, कोई बोल रहा है वास्तु दोष लगे हुए हैं, तो यानी कि आपके घर की जो उन्नति है वो हो ही नहीं रही, यानी कि आपके जीवन में बस परेशानियां ही परेशानियां हैं और आप उपाय कर करके भी थक चुके हैं। आपके परिवार के सदस्यों की उन्नति नहीं हो रही है, यानी उन्हें किसी भी कार्य में वो जाते हैं तो वहाँ उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। साथ ही घर में कोई ना कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है, कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कोई बीमार हो जाता है। व्यापार बिल्कुल भी ठीक से नहीं चल रहा है, यानी व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, धन आने के कोई भी मार्ग नहीं बन रहे, यानी धन की बहुत अधिक जीवन में समस्याएं हैं, कर्ज लेने तक की नौबत आ जाती है। तो अपने जीवन की ये सारी परेशानियों को दूर करने के लिए, अपने जीवन में लगे दोषों को दूर करने के लिए, तो आपको करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय, जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बहुत ही विशेष ये उपाय है, ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके, समझ करके आप सभी को भी मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और यदि भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए, अब हम जान लेते हैं उपाय के बारे में कि हमें उपाय किस प्रकार से करना है। तो देखिए, ये उपाय किस प्रकार से करना है अब हम वो जान लेते हैं। तो देखिए, ये उपाय यदि आपके जीवन में काल सर्प दोष है, कोई भी पितृ दोष लगा हुआ है, या फिर कोई भी वास्तु दोष है आपके घर में, या फिर आपके घर के परिवार के सदस्यों को जीवन में उन्नति प्राप्त नहीं हो रही, या आपको उन्नति नहीं मिल रही है, तो अपने जीवन की ये सारी परेशानियों को दूर करने के लिए आपको ये उपाय करना है। तो देखिए, ये उपाय आपको कब करना है? ये उपाय आपको करना है अमावस्या के दिन, यानी आज करना है। तो देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक चावल का दाना लेना है, ठीक है ना? चावल का दाना जब आप लोगे तो चावल का दाना खंडित ना हो, मतलब बिल्कुल अच्छा सा आपको एक साबुत चावल का दाना ले लेना है, ठीक है ना? अब इस चावल के दानों को, यानी जो आपने चावल का दाना लिया है उसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में रखना है बीचों बीच, ठीक है ना? देखिए, वीडियो में बताने का प्रयास करें, इस प्रकार से आपको मतलब बीच में हथेली में रख लेना है, ठीक है ना? अब आपको ये हाथ को इसी प्रकार से लेकर के अपने ही घर में, आपके घर में जो रसोई घर है ना, जहाँ पर आपके पीने का पानी रखा रहता है, वहाँ पर आपको चले जाना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो आपने हाथ में चावल का दाना ले रखा है ना, उसे आपको अपने जो पीने का पानी है ना, यानी मटका है या कुछ भी रखा हुआ है आपने पीने का बर्तन, उस पर आपको टच कराना है, यानी उसे स्पर्श कराना है। और आप जब स्पर्श कराओगे तो आपको पहले अपने पितरों का स्मरण करना है, और पितरों के मंत्रों का जाप करना है, और पितरों से आपको प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, या आपके घर में जो भी परेशानियां हैं, या घर के सदस्यों को जीवन में कोई भी सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आपके जीवन में जो भी ये दोष हैं, इन दोषों को दूर करें, और आपके ऊपर हमेशा आपके पितृदेव अपनी कृपा बनाए रखें,
तो यानी अपने अनुसार आपको प्रार्थना कर लेनी है अपने पितरों से। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आप देखिए जिस हाथ को आपने स्पर्श किया था ना, अब इस चावल के दाने को आपको हटा लेना है, यानी स्पर्श करने के बाद अपनी प्रार्थना करने के बाद आपको इसको हटा लेना है। अब आपको इसी हाथ को लेकर के, यानी जिसमें आपने चावल का एक दाना ले रखा है ना, इसे लेकर के आपको पूरे घर में घूम जाना है, अपना अशुद्ध स्थानों को छोड़ देना है। इसके अलावा आपको ऊपर नीचे जो भी कमरे हैं, जितने भी कमरे हैं, हर कमरे में जाना है, हर रसोई में जाना है और लेकर के आपको घूम जाना है, ठीक है ना। तो देखिए आप अपने पूरे घर में घूम गए, ठीक है ना, हर एक कमरों में हर जगह घूम गए। तो घूमने के बाद आपको क्या करना है, जब आप सारे जगहों पर घूम आए ना, यानी पूरे घर में घूमने के पश्चात आपको फिर से आपको आ जाना रसोई घर के पास, मटके के पास ही, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, जिस मटके पर आपने स्पर्श कराया था ना, उसी मटके में से अब आपको एक तांबे के पात्र में जल भर लेना है, यानी एक लोटा आपको जल ले लेना है, ठीक है ना। अब देखिए क्या करना है आपको, अब आपको एक चावल का दाना और ये जल लेकर के चले जाना है भगवान शिव के मंदिर। तो अब आपको सबसे पहले क्या करना है, तो देखिए ये उपाय सबसे पहले तो हम ये बता दें कि आप सुबह भी कर सकते हैं ये उपाय को, या आप प्रदोष काल के समय में करना चाहें यानी शाम के समय में, तो सुबह से लेकर रात्रि तक आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं, जब आपकी इच्छा हो तब आप इस उपाय को कर लें। तो देखिए आप भगवान शिव के मंदिर आ गए, तो अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उत्तरमुखी होकर के भगवान शिव के शिवलिंग के समक्ष खड़े हो जाना है, ठीक है ना। तो देखिए जो आप एक चावल का दाना लेके आए थे ना, उस चावल के दानों को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे आपको समर्पित करना है। और देखिए जब आप भगवान शिव के शिवलिंग पर इस चावल के दाने को समर्पित करेंगे, तब आपको एक शब्द को 5 बार बोलना है, और आपको बोलना है स्वधा 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 स्वधा, यानी 5 बार आपको इस मंत्र का, स्वधा मंत्र का आपको 5 बार जाप करना है, बोलना है जब महादेव जी के शिवलिंग पर आप ये एक चावल का दाना अर्पित करें। तो देखिए आपने एक चावल का दाना समर्पित कर दिया, अब आपको क्या करना है, अब आपको प्रार्थना करनी है महादेव जी से कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं या जिस भी कारण से आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, कभी कोई समस्या कभी कोई समस्या, यानी अपनी जो भी परेशानी है वो आपको महादेव जी से बोल देनी है, आपको प्रार्थना करनी है। और इसके पश्चात आपको क्या करना है, जो आप एक तांबे के पात्र में जल लाए हैं ना, उस जल को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है स्वधा मंत्र का जाप करते हुए। या तो आप स्वधा स्वधा मंत्र का जाप करते हुए आप ये पूरा एक लोटा जल समर्पित कर दें, नहीं तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव, यानी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए भी आप इस पूरे एक लोटा जल को भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर सकते हैं। और देखिए मात्र इतना सा आपको उपाय करना है, ये उपाय करने से, यानी ये स्वधा वाला उपाय करने से जो आपके पितर होते हैं ना वो तृप्त होते हैं, इतना ज़्यादा विशेष ये उपाय है। और आपके पितर जब तृप्त होते हैं, आपके पितर जब प्रसन्न होते हैं, तो जीवन में आपको तरक्की ही तरक्की मिलती है, यानी आपके जीवन में फिर किसी भी प्रकार की कोई भी रुकावट आती ही नहीं है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है ना कि हमारे जो पितर हैं ना, उनका प्रसन्न होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जीवन में, इसीलिए आपको ये पितरों के नियमित ये उपाय तो ज़रूर करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव।